ओके तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं अभी द्वारका में हूँ। पर बहुत ही प्रचलित समोसा वाला है द्वारका में, जो तीनबती चौक नाम की एक जगह है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। ये बहुत ही फेमस है और काफ़ी पुराना है। अगर आप कभी द्वारका में आओ तो यहाँ का समोसा तो ट्राई करना बनता ही है। यहाँ पर मिलते हैं बहुत ही स्पेशल समोसा जो रोटी से बनते हैं। यहाँ ये वाकल कुपर नाम की जगह है जो तीनबती चौक पर है। तो चलिए मैं यहाँ का ट्राई करता हूँ समोसा और आपको बता दोगे यहाँ की स्पेशलिटी क्या है। तो देखिए, ये रहे समोसे जो रोटी से बनते हैं और ये दो चटनी इसके साथ सर्व होते हैं। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं दूसरे समोसे के मुकाबले बहुत ही छोटा है और काफ़ी सस्ता भी है। 10 रुपये में 3 समोसे आते हैं 2 चटनी के साथ। एकदम फ्रेश, बाहर से बिल्कुल कुरकुरा और स्टफिंग है आलू और प्याज की स्टफिंग है, जो बहुत ख़ास तो नहीं है मगर इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि इसका जो कुरकुरापन है और ओवरऑल टेस्ट की बात करें तो चटनी इसके साथ अच्छा लगता है। दोस्तों, ये द्वारका का मेरा दूसरी जगह है जहाँ पर मैं ट्राई करूँगा कचौरी। यहाँ पर ये जो ठाकर है जो बिल्कुल मंदिर के पास में बना हुआ है, जो फेमस है खासकर अपने कचौरी के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कचौरी आ चुकी है। यहाँ पर ये यूनिक टाइप की कचौरी दिख रही है, अभी तो मैंने टेस्ट नहीं किया, और चटनी के साथ सर्व करते हैं, ले लूँगी। यहाँ पर आमतौर पर हर दिन गर्म कचौरी बनती है और जो टूरिस्ट आते हैं वो हमेशा अपने साथ में यहाँ से कचौरी लेना पसंद करते हैं। चलिए मैं ट्राई करता हूँ, आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। बेहतरीन मसाला है इसके अंदर और ये इसका आउटर लेयर है, बिल्कुल खस्ता है जैसा समोसे में होता है। अंदर ढेर सारा मूंग दाल और अभी स्पाइसेस। आमतौर पर हमारे जामनगर की जो कचौरी है फेमस है वो ड्राईपुर कचौरी है। अभी ड्राईपुर कचौरी है जो काजू से बनती है, मगर इसमें मूंग दाल है, तो ये थोड़ी सी यूनिक कचौरी है दूसरे के मुकाबले में। तो चलिए आप मैं इसको चटनी के साथ ट्राई करता हूँ और आपको बता दो कि चटनी कैसी टेस्ट करती है। बिल्कुल सिंपल चटनी है, थोड़ी सी स्पाइसी और अच्छा लगता है कचौरी के साथ कोई भी ऐसा डीप हो।